नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। भारत चीन से तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बैठक की है। इस बैठक में तीनों सेना के प्रमुखों के अलावा सीडीएस बिपिन रावत शामिल हुए। मीटिंग में लद्दाख में जमीनी हालात की पूरी समीक्षा और LAC के साथ तैयारियों का जायजा लिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले भी तीनों सेना प्रमुखों के साथ इस मसले पर बैठक कर चुके हैं। लद्दाख में भारत चीन सेना के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद जल थल और वायु सेना पूरी तरह से अलर्ट पर है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में रविवार के अपने कॉलम में संजय राउत ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आगामी चुनावों में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हारने के बाद मोदी अकेले रह जाएंगे। संजय राउत ने सामना में लिखा कि भारत के सीमावर्ती क्षेत्र अब कन्फ्लिक्ट जोन है। सभी पड़ोसी चीन के साथ जा रहे हैं। भारत पर चीनी आक्रमण हमारी विदेशी नीति की विफलता है। चीन के हमले ने बाहुबली राजनीति की हवा निकाल दी है। इस दौरान संजय राउत ने यह भी कहा, पूछा कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक केवल पाकिस्तान के लिए थी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पॉजिटिव केस बढ़ने के साथ ही जिला प्रशासन ने लॉकडाउन को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है। अब प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी दूध की दुकानों को खोलने की इजाजत होगी। सहारनपुर में पिछले कुछ दिनों में बढ़ रहे केसों को देखते हुए प्रशासन ने सहारनपुर में प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखने का निर्णय लिया है। DM अखिलेश सिंह का कहना है कि जनपद में पूर्ण लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। ओडिशा में वायरस के 304 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 5160 पर पहुंच गई है, जिनमें एक्टिव केस की तादाद 1607 हो गई है। राजस्थान में महामारी के 154 नए मामले सामने आए हैं। वहीं राजस्थान में रविवार को 4 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में अब तक 14691 मामले सामने आ चुके हैं और 341 मौतें दर्ज की गई हैं। पुणे में भी महामारी की रफ्तार तेज हो गई है। पुणे में एक दिन में 823 पॉजिटिव केस सामने हैं और वहीं एक दिन में 24 लोगों की मौत हो गई है। जानलेवा वायरस के कारण पुणे में अब तक 584 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी के साथ वहां अब कुल संक्रमितों की संख्या 15004 पर पहुंच गई है। दुनिया भर में महामारी के मामलों में काफी तेजी देखी जा रही है। 81 देशों में वायरस की दूसरी लहर उठ पड़ रही है। चीन में महामारी के मामले एक बार खत्म होने के बाद पिछले 2-3 हफ्तों में राजधानी बीजिंग में पहले आने शुरू हो चुके हैं। अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजराइल, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील आदि देशों में वायरस बहुत जोर शोर से तबाही मचा रहा है। WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस ने भी यह चेतावनी जारी की है कि दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीकी देशों में हालात अभी और खराब होंगे। हरियाणा में महामारी का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। हर दिन मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। शनिवार को भी प्रदेश में 480 नए मामले सामने आए थे, जिसके साथ हरियाणा में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 10,000 को पहुंच गया। प्रदेश में कुल 10,223 मामले अब तक सामने आए हैं। इनमें 5,128 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में अभी 4,946 एक्टिव केस हैं। वहीं हरियाणा में महामारी के चलते अब तक 149 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आज जालंधर के अलग अलग क्षेत्रों में कुल 9 मामलों की पुष्टि हुई है। इसी के साथ जालंधर में मरीजों की संख्या बढ़कर 521 पर पहुंच गई है। सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की। बीमारी से इलाज के बाद लौटी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर लॉकडाउन के बाद पहले कार्यक्रम में लोगों के बीच पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक साल के कार्यकाल की उपलब्धियों वाले पत्रक लोगों को बांटे और वहीं संकट काल में अपने ही देश के प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े करने वालों को निशाना साधते हुए देशद्रोही बताया। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।